नमस्कार साथियों, न्यूज़ क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। कभी जो ठीक ठाक घर वाले लोग हैं उनके किचन को देखिएगा, बहुत बड़ा किचन, इतना बड़ा किचन जो झुग्गी झोपड़ियों में जिसमें एक परिवार रहता है, बड़ा सा फ्रिज, उनके पास कई तरह के खाने। और ठीक इसी के बरक्स कभी उनके बारे में सोचिएगा जिन्हें 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दिया जाता है सरकारी योजना के मुताबिक, उनके खाने की थाली कैसी होती होगी। तो चलिए इसी पे सोचते हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में समझते हैं। और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और आर्थिक पत्रकार अरिंदो चक्रवर्ती। तो सर, आपसे पहला सवाल यही होगा कि एक ठीक ठाक परिवार में जब हम जाते हैं तो वही थाली में रोटी, दाल, भात, मीट, मछली सब कुछ दिखता है। और लेकिन जब एक गरीब परिवार में जो वही 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल लेकर के जीता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए तो कैसी ये विरोधाभास की स्थिति है। बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं अजय, मैंने कुछ पिछले 6 महीनों में डाइटिंग करके, कम खाकर मैंने अपना वज़न घटाया है, क्योंकि वज़न घटाना मेरे लिए ज़रूरी था। और हमारे देश में मैं कहूँगा 80% लोग ऐसे हैं जिनका शायद वज़न कम होगा, क्योंकि उनको पूरा खाने का नहीं मिलता है। और शायद 80%, मैं बड़ा चढ़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, कोई कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो चलिए 80 मत लीजिए, आप 30% लीजिए। 30% तो कम से कम ऐसे होंगे और वो हम आंकड़ों से दिखा सकते हैं। और वो क्या खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं अन्न पर। हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं अन्न, आप किसी भी पूछे वो बोलेंगे यार दाल रोटी चावल ये सब मत खाओ, ब्रेड रोटी चावल मत खाओ, सब्जियां खाओ, अंडे खा लो, मांस मछली अगर आप खाते हो तो मांस मछली खा लो, लेकिन ये दूध पी लो, लेकिन चावल रोटी, इससे आदमी मोटा होता है ना? और हमारे देश में जो लोग कामगार लोग हैं, जिनको मजदूरी करनी पड़ती है, जिनको श्रम करना पड़ता है, जिसको हम मैनुअल लेबर कहते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरत है और वो सिर्फ यही खाते हैं। उनका 80-90% जो डाइट होता है वो वही होता है, चावल रोटी, थोड़ा बहुत दाल मिल जाता है, कभी कभी आलू मिल गया, कहीं जो खेत से उठा लिया जिसको जैसे थोड़ा सा कोई साग हो गया वो खाते हैं, नमक कभी कभी नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादातर जगहों पे जिसको हम एडिबल ऑयल कहते हैं, खाना बनाने का जो तेल होता है, वो ज़्यादातर घरों में नहीं होता है, वो सिर्फ ये सब डाल के एक हांडी में वो सब पानी डालकर उसको उबाल लेते हैं और यही इनका खाना होता है, या मोटा सूखा रोटी होता है, उसके साथ थोड़ा बहुत कोई मिर्च हो गया, एक आधा प्याज हो गया, तो नमक हो गया, आधा प्याज हो गया, यही होता है ज़्यादातर घरों में, हमारे गांव में तो कम से कम, और गरीबों का हमारे शहरों में भी। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा इसी के हिसाब से बताइए कि जो एक मेहनत कश मजदूर होता है उसको कितनी कैलोरी चाहिए होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए होती है, क्या उतना कैलोरी मिल पाता है भारत की अधिकतर आबादी को या नहीं? देखिए, सरकार ने खुद ही, जैसे आप अगर देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी 2019 में, उनका रिपोर्ट आया था और उन्होंने कहा था कि जो एवरेज कैलोरी बताया जाता है हमारे देश में कि 2700 खाना चाहिए गाँव में, वो नहीं, जरूरत नहीं है, आप 2400 कर दीजिए, आप वो पैमाना होना चाहिए 2400 कैलोरी, लेकिन 50 ग्राम कम से कम प्रोटीन होना चाहिए और 30 ग्राम फैट होना चाहिए, फैट मतलब घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल। और प्रोटीन में क्या है, दालें हैं, सोयाबीन है, दूध है, मांस मछली है, अंडे हैं, ये सब चीजें प्रोटीन में आते हैं। हाँ, चावल और आटे में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत कम, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों का जो डाइट होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, तो उनको ज़्यादातर खाना अगर पड़ेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही, यानी ज़्यादातर सीरियल जिसको हम कहते हैं, अन्न अनाज, उसी से उनको गुजारा करना पड़ता है। अब जो हम जैसे लोग हैं उनको मुझे लगता है कि, क्योंकि हम लोग जिसको अंग्रेजी में सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं, मतलब या तो हम बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, या गाड़ी तक जाते हैं, या बाइक तक जाते हैं, बस तक जाते हैं, ये हमारा मैनुअल जो एक्सरसाइज होता है। जो लोग कसरत करते हैं वो कसरत करते हैं, लेकिन इसीलिए डॉक्टर हम लोग कहते हैं कि आप लोग कसरत कीजिए, वॉकिंग कीजिए,
लेकिन जो मैनुअल काम करता है, जो आप हमारे शहरों में जो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करते हैं, आप उनको देख लीजिए, तो उनको 8-9 घंटे, जिसको हम अंग्रेजी में बैक ब्रेकिंग है ना, जो कमर तोड़ श्रम उनको करना पड़ता है। इन लोगों के लिए कम से कम दुनिया भर में माना गया है 3,000 कैलोरी खाना जरूरी है। हम लोग अगर 1,800 से 2,200 कैलोरी खाएं तो इन लोगों को 3,000 की जरूरत है। जो थोड़ा बहुत कम श्रम करते हैं लेकिन फिर भी मैनुअल लेबर के अंडर आते हैं, उनको भी 2,700 कैलोरी खाने की जरूरत है कम से कम। अब आप देखिए कि अगर आपको उसमें से 2,200 से 2,500 अन्न से लाना हो, जैसे कि चावल से लाना, तो आपको कम से कम 650 ग्राम चावल खाना पड़ेगा, कच्चा चावल उबाल के। मैं 650 ग्राम भात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 650 ग्राम बना पकाया हुआ चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, 650 ग्राम कच्चे चावल से उतने कैलोरी आएंगे। अब आप 5 लोगों का एक परिवार देख लीजिए, जिसमें 3 वयस्क हो, एडल्ट हो और 2 बच्चे हो, तो उसको सब मिला के भी कम से कम आप सोच लीजिए 2.5 किलो अनाज की तो जरूरत होगी होगी हर दिन ऐसे फैमिलीज को। और अगर हम देखें तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके पास कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह फैट वगैरह है, तो कम से कम अंदाजन 18 किलो राइस की जरूरत है, जो राइस ईटिंग लोग है, जो चावल खाते हैं, 18 किलो प्रति व्यक्ति की जरूरत है महीने में। उसमें से सिर्फ 10 किलो उनको मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, अगर उसके बाहर हो तो सिर्फ 5 किलो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो आधा है, उसके बाद भी 8 किलो की जरूरत है, वो उनको मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो ये आप देख लीजिए कि मार्केट में इकोनॉमिक प्राइस 2021 में 37 रुपए थी, जो FCI को पड़ता है 1 किलो चावल का। आप मार्केट में अगर इन लोगों को पूरा का पूरा खरीदना पड़ता तो कोई चांस ही नहीं है। मैं आराम से कह सकता हूं कि हमारे देश में कम से कम 80% ऐसे लोग हैं जो मार्केट से खरीद कर अपना डेली न्यूट्रिशन को नहीं वो कर सकते, उनकी आय उतनी है ही नहीं। तो ये तो गरीब कल्याण योजना की तो जरूरत है ही है, उससे ज्यादा भी की जरूरत है। यहाँ पर गांधी याद आ रहे हैं। गांधी कहा करते थे वर्ण व्यवस्था में कि शारीरिक श्रम को भारत में हेय और नीच दृष्टि से देखने की आदत है, और वो जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं कि उनको ढंग का पोषण तक नहीं मिल पाता है, उनकी इतनी बदहाली है। तो अब थोड़ा आप इस पे बताएंगे कि अगर एक मोटा मोटी आपने अनुमान लगाया होगा एक परिवार को कितना खर्च करना पड़ेगा कि वो ढंग का मतलब खाना खा पाए। ढंग का खाना, अगर मैं बोलूं तो ढंग का खाना मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ अगर उनको अपना पेट भरना हो, सिर्फ कैलोरी, कैलोरी और न्यूट्रिशन में बहुत फर्क है। जैसे आप 5-6 पैकेट बैठ के चिप्स खा लेंगे तो आपको पूरे दिन का कैलोरी मिल जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन जीरो होगा उसका, वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं ना। लेकिन अगर सिर्फ आप चावल खा रहे हैं, साथ में आलू खा रहे हैं, नमक, इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बहुत कम न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन छोड़ दीजिए, सिर्फ कैलोरी में भी कम से कम 5,500-6,000 रुपये महीने एक परिवार को जरूरी है, जो 5 लोगों की लोगों का परिवार है कम से कम। ये सिर्फ खाने के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी चीजों की बात छोड़ दीजिए आप। तो अगर वो सिर्फ खाने पर भी खर्चा करे, तो अगर हम सोच लें कि 2/3 खाने पे खर्चा कर रहे, तो कम से कम 8,333 के आसपास उनको खर्च करना पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे देश में अगर मैं लास्ट जो नैबार्ड का फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे है अजय, ये 2018-19 में किया गया था, और इसको अगर मैं देखूं तो कम उसमें भी लगभग 70% लोग जो गांव में रहते हैं वो इस लेवल के नीचे आते हैं 2018-19 में। आज अगर उनका आय बढ़ भी गया हो, और आप जानते हैं कोविड के बाद आय बढ़ा नहीं है, अगर आय बढ़ा भी हो तो भी मैं आराम से आपको कह सकता हूं कि कम से कम 60% तो होंगे। और ये वो हैं, अगर मैं पंजाब, हरियाणा, केरला, जहां पे ज्यादा आय ज्यादा है उनको अगर आप हटा दें, तो 80% लोग कम से कम होंगे जिनका लेवल इससे नीचे आता है। यानी इनको अगर सब्सिडी ना दिया जाए तो वो नहीं जी पाएंगे, वो नहीं खा पाएंगे। पोषण की बात तो आप छोड़ दीजिए, इसमें सिर्फ कैलोरी की बात हम कर रहे हैं, ताकि वो भूखे ना रहे।
अब आपको क्या कहेंगे जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई टैक्स पेयर का पैसा बहुत खर्च हो रहा है ऐसी योजनाओं पर, इसको बंद कर देना चाहिए। तो उनको तो उनका व्हाट्सएप फॉरवर्ड मुबारक हो, उनको पार्टी में ये सब बातें उनको मुबारक हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जो वो कह रहे हैं ये सही नहीं है। वो खुद भी जानते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप तो दूसरे भी आते हैं ना, वो पढ़ के उनको कोई वो नहीं होता, उनको कोई शर्म नहीं आती। मैं अगर सीधी सीधी बात कहूँ, उनको ना शर्म है ना लाज है, क्योंकि हम जानते हैं, पहली बात है कि इनकम टैक्स सिर्फ 25% होता है, टोटल जो सरकार का खर्चा होता है उसका 25% इनकम टैक्स है। दूसरी बात है, सरकार जो खर्च करती है वो सबसे ज्यादा अमीरों के ऊपर खर्च करती है, चाहे वो टैक्स बेनिफिट हो कॉरपोरेट को जो अमीरों को फायदा मिलता है, चाहे वो बड़े बड़े हाईवे हो जिसका माल अमीरों तक पहुंचता है, चाहे पार्क हो, अच्छे रोड हो, पानी की सप्लाई अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अच्छा हो, वो तो हम शहरों में भी जानते हैं कि अमीरों के कॉलोनी में ज्यादा जाता है। यानी कि जितना अमीर लोग टैक्स देते हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा उनको मिलता है। एक एस्टिमेट सिर्फ अगर हम सरकार का हेल्थ पे खर्चे का देखें तो बताया जाता है कि अमीर लोगों को कम से कम 7 गुना फायदा मिलता है सरकारी खर्चे से हेल्थ पर, जो गरीबों को मिलता है। यानी जो टैक्स वो दे रहे हैं उसका 3 गुना उनको फायदा मिलता है कम से कम, मैं कह रहा हूं। तो ये सब फॉरवर्ड तो उनको वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त अपर मिडिल क्लास एफ्लुएंट क्लास का लाज शर्म खत्म हो चुका है, जो पहले कम से कम था वो अब खत्म हो चुका है, इसलिए ये फॉरवर्ड खत्म नहीं होगा। और आप और हम बोलते भी रहेंगे तो भी वो एक कान से घुसाएंगे दूसरे से निकाल देंगे। आपसे अंतिम सवाल कि 2011 के मुताबिक 80 करोड़ बताया जा रहा है, बढ़ा होगा तकरीबन उसमें 90 करोड़ लगभग, लेकिन फिर वो बात आती है कि हम 90 करोड़ आबादी, जो 80 करोड़ आबादी है, उसको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देने में भी आनाकानी सरकार कर रही है, जो उसके पोषण के हिसाब से भी नहीं है और इतनी बड़ी आबादी है। तो फिर वही अंतिम बात, क्या हमें लगता नहीं है कि सब छद्म है, सरकार नाम की चीजें नहीं है, कुछ भी लोक कल्याणकारी काम नहीं हो रहा है, इतनी बात में भी आनाकानी आनाकानी, इसको भी कहा जा रहा है इसको हटा देना चाहिए। मेरा मानना है कि इसमें मैं दूसरों से थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ। मेरा मानना है कि मोदी सरकार इलेक्शन को बहुत अच्छा समझती है और दूसरे सरकारों के तुलना में गरीबों तक जो बेसिक चीजें हैं, खाद्य वगैरह पहुंचाने में, मोदी सरकार दूसरे सरकारों से बेहतर काम कर रही है। इसका सिर्फ इलेक्टोरल फायदा इनको मिलता है, क्योंकि रोजगार का कोई अवसर नहीं है, ये सिर्फ जिसको हम सब्सिस्टेंस कहते हैं, मतलब आप उसी लेवल पर जीते रहिए जिससे आपका नाक सिर्फ पानी से ऊपर हो, आप तक वही, आप अन्न चावल में 2 आलू डालकर पका के खा लीजिए, खुश रहिए, क्योंकि हम तो इतना ही दे पाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ बात ये नहीं है कि खाने का के लिए 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल या 10 किलो गेहूं 10 किलो चावल मिल रहा है, ये बात नहीं। मुझे तो लगता है कि मोदी सरकार जो है ये देने को तैयार है, क्योंकि इससे फायदे होते हैं, इससे फायदे बहुत होते हैं। पहली बात है कि आपको जो बड़े पूंजीपति हैं उनको जो मजदूरी है वो कम देना पड़ता है। अगर खाने का कुछ खर्चा सरकार उठा ले तो आप किसी को अगर हायर करेंगे काम के लिए, उनको आपको लेबर में वेज कम देना पड़ेगा। जो अमीर लोग हैं वो लोग आराम से बैठ के सस्ते में अनाज सस्ते में सब्जियां लेते रहेंगे, क्यों? क्योंकि जो गांव में काम कर रहे हैं उनका वेज कम रहेगा। आप किसान को बोल सकते हैं, देखिए हम तो इतना कुछ आपको देते हैं इसलिए आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब जो है, ये सारे जो है एक इलेक्टोरल कैलकुलेशन से आता है। बड़ी बात ये है कि सिर्फ अनाज देने से कुछ नहीं होगा लोगों तक, सब्जी दूध, जो लोग मांस मच्छी खाते हैं मांस मच्छी, दालें, एडिबल ऑयल, मिड डे मील में अंडे, ये सब देने की जरूरत है, क्योंकि ये पोषण नहीं हो रहा है। एक तो कम लोगों को मिल रहा है, ज्यादा को मिलनी चाहिए, दूसरी बात है पोषण नहीं है इसमें, ये सिर्फ नाम के वास्ते, जिसको हम भूखमरी कहते हैं, भूखमरी से बचाने की जरूरत। हाँ, अच्छी बात है, हो रहा है ये अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है, यही सच बात है। शुक्रिया। फिर वही बात कि खाने की थाली के समय एक बार सोचिएगा कि वो 80 करोड़ लोग
किस तरह खाना खाते होंगे, जिंदगी और दुनिया के प्रति शायद नज़रिया बदले। शुक्रिया सर।